उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद में कुछ बूथों को छोड़कर शाम 5 बजे के बाद भी मतदान का कार्य चलता रहा। लगभग 6 बजे तक जनपद के सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया गया। वहीं भारी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम मशीन को रुद्रपुर के बगवाड़ा मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया। इसके तहत ही एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जनपद में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गए हैं और सभी 1465 ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत सील कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर में की जाएगी और इस बार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने आईडीपीपी को सौंपी है। डीएम साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और ऑब्जर्वर्स की गाइडेंस है, स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस में और हमारे पुलिस मुख्यालय की डीजीपी सर का, डीआईजी सर का, आईजी मैम, डीआईजी मैम का गाइडेंस में अभी कुल मिला के हमारे पास जो भी समर्पित टीम था, जिसमें पुलिस का टीम, होमगार्ड्स, पैरामिलिट्री, विशेष रूप से हमारा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी और पंजाब पुलिस, आर्म पुलिस का टीम्स था, इन सब के सहयोग से और टीम भावना से कुल मिला के अभी तक तो उधम सिंह नगर जनपद में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। अभी ईवीएम्स आ रही है, एक एक करके दूर दराज एरिया से भी सेक्टर ऑफिसर्स द्वारा अपने अपने पोलिंग पार्टीज को मोबिलाइज करके बसों में बिठाया जा रहा है और हमारा काम तो तभी होगा जब आज चुनाव संपन्न तभी मान सकते हैं जब सारे ईवीएम्स 1465 ईवीएम्स वापस आकर यहाँ स्ट्रांग रूम में डिपॉजिट होंगे और स्ट्रांग रूम सील हो जाएंगे। अभी वो प्रक्रिया चालू है। रोडों पर समस्त रोडों पर एसओ, एसएचओ, सीओस तैनात है, पैरामिलिट्री भी रोडों पर तैनात है। हमें अटूट सुरक्षा देना है उन ईवीएम्स को। अभी फिलहाल वो स्टेज है।